सबसे पहले कुछ लोग सच में कुछ लोग आप देख सकते हैं, कुछ लोग सच सवर के आते हैं इस वीडियो के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है और ये मेरी साइंस क्लास है। यहाँ पर सारे साइंस के बच्चे प्रैक्टिकल देंगे। अभी पूछते हैं कि कौन कितना सोया है और दिन भर क्या क्या हुआ कल। अभी तो ये हाल है क्लास का, सब पता नहीं क्या करके आए, सब काम ही कर रहे हैं। तो बताइए आप कितना सोई हैं रात में। मैं 6 बजे से 7:30 बजे तक, आप जितना मान लीजिए सुबह 6 बजे से। और अभी प्रैक्टिकल से पहले आप कैसा फील कर रही हैं? वही जो जिसको क्या बोलते हैं, रिजल्ट की तो चिंता ना हो, बट वो बंदा जैसा फील करता है ना, वही है अपना। ये हमारी रोल नंबर 1 है। आज आप बताइए, बहुत बिजी है, रोल नंबर 1 है। आप बताइए कि आप कैसे अपने प्रेशर को हैंडल करती हैं। अब हमें आदत हो गई है, अब हमें लगता है कि हमें ही जाना है, कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमें आदत हो गई है, हम कंफर्टेबल हो गए। और कल रात में आपको कितनी नींद आई है? नींद तो बहुत आ रही थी हमें, हम 1 बजे के आसपास सोए और सुबह 4 बजे उठ गए थे। बहुत अच्छे, मतलब सबसे ज्यादा उठे तो हम क्या हो जाए। आप बताइए आपका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है? मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ और ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगा तब तक नहीं पूरा होगा। तो पिछली बार आप बता रही थी कि आप बहुत खुश हैं अपने जीवन से, अभी क्या कहना चाहती हैं? खुश है वो तो प्रैक्टिकल के बाद पता चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, श्रद्धा जी को पकड़ते हैं। श्रद्धा जी बताइए कैसा फील कर रही हैं? बहुत नर्वस। ये नर्वस है और इनके अभी प्रैक्टिकल का पूरा काम कम्प्लीट हुआ नहीं है। बाकी ये सब दुखी आत्माएं जो काम करने में बिजी हैं। अभी चलते हैं आर्ट्स और कॉमर्स वालों के पास और पूछते हैं उनका कॉमर्स क्लास का हाल है। कॉमर्स और आर्ट्स वाले हैं, हाँ, तो ये पिछले वाले वीडियो के ब्लॉग में जो महिला थी वो यही थी जो अपना मुंह छुपा रही थी। और ये हमारी कॉमर्स क्लास और आर्ट्स क्लास का हाल है। बताइए आप कैसे फील कर रहे हैं? सबका ऐसा ही हाल है, ऐसे ऐसे 3 फाइल है हमारे पास। और रात में आप कितना सो चुकी हैं? रात में मैं कल तो सोई थी, कभी मैं परसों पूरी रात जग के काम कर चुकी हूँ। ये देखिए ये हमारी शिवांगी है, ये बहुत बिजी है, गुस्से में भी लग रही है। ये पल्लवी जी कैसे फील कर रही हैं आप? बहुत मस्त, बहुत मस्त। तो ये अपने एकदम बंगाली एक्सेंट में आ चुकी हैं। ये हमारी एक और दुखी महिला है जिनका ढक्कन खो चुका है। बताइए कैसे फील कर रही हैं? समय तो बहुत नर्वस क्योंकि मेरा रोल नंबर सबसे पहले। बहुत अच्छे, अभी हम पहले रोल नंबर का इंटरव्यू लेके आए हैं। मैं कॉमर्स में सबसे पहले। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आई होप आपका एग्जाम अच्छा बीते। अच्छा बताइए कि कल कितना सो पाई हैं? कल मैं सोई 4 घंटे। 4 घंटे काफी ज्यादा सो लिया है आपने। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किया था, ऐसी बात नहीं। तो हम चलते हैं हमारे वन ऑफ द सीनियर्स के पास जो यहाँ पर काफी फनी है। तो बताइए विंतिका जी कैसे फील कर रही हैं? कल मेरा 30 का फास्ट था और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं मेहंदी भी लगा पाऊँ। ओह नो, प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने और मैं ऐसी मुंह उठा करके बस चली आई हूँ। और आप देख सकते हैं बस पीले पीले रंग के भवरे जैसे हमारे फाइल्स हैं। कोई बात नहीं, आपको आपकी अच्छी तीज होगी किसी दिन, आप चिंता मत करिए। अच्छा सोई कितना है आप इतना ही बता दीजिए? सोई कितना, वैसे तीज में सोया नहीं जाता तो जागरण होता है। पर्पसफुली तो जगना नहीं था मुझे, लेकिन इसके चक्कर में पूरा ही रात जगी। आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? हाल क्या है दिलों का ना पूछो। वाह 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 वाह, तो इनके एक गीत से हमको पता चल चुका है जो बच्चे हैं उनके दिलों का हाल क्या है। और मुझे कुछ ज्यादा खास नर्वसनेस थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं बता दूं कि मुझे ज़्यादा कोई नर्वसनेस फील हो नहीं रही है क्योंकि पता नहीं, हम बस एंजॉय कर रहे हैं। आइए
बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? काम नहीं हुआ है मेरा, बहुत सारा काम बाकी है। बोलिए, उसमें आएगी नहीं आवाज। मेरा रोलर बोर्ड लेके नहीं आया यार सुरम में। ये दुखी है, इनका रोलर बोर्ड नहीं मिला इनको। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। हमारे होलिया से अब पता चल रहा है कि हमारी टीचिंग कंप्लीट हो चुकी है। सबके चेहरे एकदम प्रसन्नता से, सबसे पहले रोल नंबर वन, इनका चेहरा एकदम प्रसन्नता से खुल चुका है। और ये हमारी समीक्षा है, आपके चेहरे पर रोशनी ज्यादा अच्छी पड़ी। बताइए आपको कैसा फील हो रहा है टीचिंग करने के बाद? टीचिंग करने के बाद बहुत अच्छी फील हो रहा है, ठीक है। और मैम के पास स्पेशली डांट खा के आके वापस आए हैं, और अच्छा लग रहा है। मैम से डांट खाने के बाद इनको ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि होता रहता है। आप बताइए आप कैसा फील कर रही हैं? वो ऐसी बन गई है ना जिसके आज बैंड बजाई गई है, बहुत अच्छे से धुलाई हुई है। थैंक यू, बस इसके आगे हमें कुछ नहीं बोलना। आप बताइए सुरम्या, टीचिंग अच्छी है, बहुत चिल मूड में टीचिंग हुई, परंतु वहाँ जाके थोड़ा सा नर्वस आ गए थे। वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग नहीं अच्छी थी। अरे कोई बात नहीं, जिंदगी है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे बस दिखना चाहिए, उस पर नंबर मिलते हैं आपको। आप बताइए, आप बताइए आप कैसा फील कर रही हैं? हम देख सकते हैं, हम सभी देने के बाद देखिए सब कैसे चहक रहे हैं, चहकने लगे सब लोग। आज जो टीचर्स कह रही थी कि आपके बुक पे जो है वो प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो मैं रात भर जागेंगे तो कहाँ से दिखेगा बताइए अब। लेकिन रात भर जागने के बाद भी प्रैक्टिकल खत्म हुआ और प्रकाश आ गया चेहरे पे, नूर आ गया चेहरे पे भाई, नूर। चलिए बाय। कुछ लोग बच गए थे इंटरव्यू के, जो दुखी हैं, बहुत परेशान हैं कि उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। तो आइए सबसे पहले कुछ लोग सच में कुछ लोग आप देख सकते हैं, कुछ लोग सच सवर के आते हैं इस वीडियो के लिए। तो चलिए पहले रांगी जी से पूछते हैं, आपको कैसा रहा प्रैक्टिकल? अच्छा भी था, खराब भी था, ज्यादा मतलब ज्यादा खुश नहीं लग रही हैं? हाँ थोड़ा दुखी है, क्योंकि इनने आरबीआई की बेइज्जती कर दी थी, इसलिए कोई बात नहीं। आप राशि मैम के अंदर है तो आपको जो है कोई बात नहीं। आप बताइए आपको भी कैसा लगा? अच्छा गया। अब कुछ और लोग से पूछ लेते हैं। तो आपका आपकी सजावट कंप्लीट हो गई हो, तो हमको बताइए कि आपका प्रैक्टिकल कैसा गया? मेरा प्रैक्टिकल अच्छा गया, क्योंकि मैंने 11th 11th आर वाली प्रैक्टिस की थी, तो उस हिसाब से तो ठीक ही गया। तो लास्ट टाइम आपका पेशेंस चेक हो चुका था, तो आज आप कैसे फील कर रही हैं अपने पेशेंस को लेकर? ये देखिए इन्होंने क्या किया, ये सब मेरा नहीं है, यही स्वच्छ भारत सीखा है आपने? ये क्लास में आती है पहले, ये क्लास में आती है पहले कूड़ा करती है फिर ये बैठती है। नमक कक्षा जैसे देखते हैं हमारी क्लास कैसी है, जैसे 4th 5th के बच्चे एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, हमारी क्लास कैसी है, ब्लेम गेम चलता है यहाँ पे। कोई बच्चा आइए और लोगों को ढूंढते हैं, कोई बच्चा हो तो उसका भी वीडियो ले लिया जाए। हाँ बताइए कि आप कैसा फील कर रही हैं पेपर देने के बाद? और जो है देखो फेस पे दिख रहा है। अच्छा तो ग्लो आ गया आपके चेहरे पे। सारी थकान दूर हो गई रात भर की। देखिए तो आप मतलब अब रात में सोए नहीं थे? हाँ पूरी रात नहीं सोई। तो मैं अपने दर्शकों को मॉरल ऑफ द स्टोरी देना चाहूंगी कि लास्ट मिनट काम मत किया करिए, नहीं तो इनकी तरह आप भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे लास्ट मिनट। बाय।